बिना हाथ पांव के आदमी लाइफ में क्या कर सकता है? तो जवाब में है कुछ भी। ये सुनने में बहुत ही अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यह बात कही है निक बिजिसिस ने। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनके बचपन से ही हाथ और पांव नहीं है। मैंने इनके कुछ इंटरव्यूज पढ़े और इनके बारे में पढ़ा तो मुझे कुछ पॉइंट पसंद आए जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं इनसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हूँ। एक बार इनके इंटरव्यूज में इनसे पूछा गया कि आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता था, तो उन्होंने कहा कि मेरा सपोर्ट जो है ज्यादातर मेरे माता पिता करते थे, क्योंकि वो मुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि दूसरों के जैसा ये ना बने, बल्कि वो चाहते थे कि सामान्य व्यक्ति जिस तरीके से अपने सारे काम करते हैं, बस मुझे वैसे ही करने के लिए वो प्रेरित किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने मुझे स्पेशल स्कूल में न भेजकर एक सामान्य स्कूल में भेजा था, ताकि मैं सामान्य बच्चों के साथ सामान्य तरीके से वो सारे काम करूं जो सामान्य बच्चे करते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप लाइफ में कभी गिल्ट नहीं फील किए? वो कहते हैं कि जब मैं स्कूल में पढ़ने जाता था तो वहाँ पर बच्चे मेरा बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे कि ये कैसे मुँह से लिखता है, कैसे छोटे से पैर से लिखता है, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था। एक बार मैं 10 साल का था तो मैंने आत्महत्या करने की सोची। भरे हुए पानी के टब में मैं जाकर वहाँ पर डूबने लगा और उसके बाद फिर मैंने फील किया कि नहीं, मुझे मरना नहीं चाहिए। फिर मैं उस टब से बाहर निकल आया। जब सुबह हुई तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था और बस मैं यही सोच रहा था, लगता है दुनिया में मैं अकेला ही ऐसा हूँ जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उसी वक्त मेरी माँ अखबार लेकर आती है और मुझे एक आर्टिकल पढ़कर सुनाती है। उस आर्टिकल में लिखा होता है, एक अपाहिज व्यक्ति जिसके पास न तो हाथ था न तो पैर था, इसके बावजूद भी उसने अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिताया। निक कहते हैं कि मैंने ये बात जब सुनी तो मुझे एहसास हो गया कि मेरे जैसे बहुत सारे इस दुनिया में हैं और मैं अकेला इस दुनिया में नहीं हूँ। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं कुछ न कुछ जरूर करके दिखाऊंगा अपने इस लाइफ में। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है? फिर निक कहते हैं कि मैंने अपने आप को कभी भी कमजोर समझा ही नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है। मैं हर एक काम कर लेता हूं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में मुझे कुछ नया बदलाव करने के लिए भेजा गया है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा और लोगों को इंस्पायर करूंगा। फिर उसके बाद मैंने अपने लाइफ के हर एक किस्से को शेयर करना लोगों से शुरू किया और लोग मुझे पसंद करने लगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने लगे। आज मैं दुनिया भर में ट्रैवल करता हूं और लोगों को अपनी लाइफ से इंस्पायर करता हूं। मैं ये कहता हूं कि मेरे पास दोनों हाथ और दोनों पैर ना होते हुए भी मैं अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जी रहा हूं। निक कहते हैं कि अगर आप अपनी उम्मीद को खो देते हैं तो हाथ पैर खोने से कहीं ज्यादा बुरा हो सकता है। अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो लोग भी आपको कमजोर समझने लगेंगे और आपको कमजोर कहने लगेंगे। इस दुनिया का आदमी कोई भी आपको बेहतर नहीं बना सकता सिवाय आपके। अगर आप खुद से अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो ये दुनिया आपको मजबूत नहीं होने देगी। अगर आपके साथ कोई चमत्कार नहीं हो सकता तो आप एक खुद चमत्कार बन जाइए।